So good morning friends, good morning my dear students। एक बार फिर से मैं आपके लिए आज एक चैप्टर लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में। और कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या आपने उसे बना लिया? अगर बना लिया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए, और या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। ओके, तो चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेक अफर्मेटिव नेगेटिव हेडिंग के अंदर रिमूव टू। जी हाँ, मेक अफर्मेटिव नेगेटिव हेडिंग के अंतर्गत वी आर गोइंग टू स्टडी रिमूव टू हेडिंग। सो रिमूव टू का मतलब होता है टू को हटाना। यस, यू आर राइट। रिमूव टू का मतलब होता है टू को हटाना। रिमूव मीन्स होता है हटाना। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। मेरे क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो रिमूव टू या इसको मेक नेगेटिव कहते हैं। इस हेडिंग्स के अंतर्गत आपको नेगेटिव या अफर्मेटिव ऐसे बनाना होता है कि मीनिंग चेंज ना हो। या मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेगेटिव और अफर्मेटिव के अंतर्गत आपको ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना होता है कि जो मीनिंग अफर्मेटिव में है वही मीनिंग नेगेटिव में हो, और जो मीनिंग नेगेटिव में है वही मीनिंग अफर्मेटिव में हो। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं, अगर आपके सेंटेंस में टी डबल ओ टू होगा तो उसको आपको सो एस ओ सो में चेंज करना होगा। अगर आपके सेंटेंस में टी ओ टू होगा तो उसको दैट टी एच ए टी दैट में चेंज करना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, टू इज इक्वल टू सो एंड टी ओ टू मस्ट बी चेंज इनटू दैट। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में इज़ एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज़ एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस में है, देन आपको कैन नॉट का यूज़ करना होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इज़ एम आर रहेगा तो कैन नॉट, और अगर वाज वेयर रहेगा तो कुड नॉट, आपको इस तरह से यूज़ करना होगा। सो फिर से आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ कि आपको इस तरह से चेंज करना है मेक अफर्मेटिव मेक नेगेटिव कि मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। मीनिंग को चेंज ना करें, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, मीनिंग सेम होनी चाहिए। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। ओके, तो चलते हैं अब हम अपने एग्जांपल्स की तरफ। जैसे आपका पहला एग्जांपल है, आई एम टू शॉर्ट टू टच द कबर्ड। आई एम टू शॉर्ट टू टच द कबर्ड। मैं कबर्ड मीन्स होता है अलमारी कपाट। मैं अलमारी या कपाट को टच करने के लिए भी छोटा हूँ। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अगर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो वो हम रिमूव टू की हेल्प से ही कर पाएंगे। नेगेटिव में चेंज करना है तो टी डबल ओ और टी ओ इन दोनों टू को हटा के ही हो पाएगा। वो ऐसे होगा, पहले आपको लिखना है ये जो सब्जेक्ट है आई, आपको इस समय ये एम चेंज नहीं करना है, उतारना है। इस टी डबल ओ टू को चेंज करना है सो में, आई एम सो। एडजेक्टिव उतारना है शॉर्ट, इस टू को चेंज करना है दैट में, आई एम टू शॉर्ट दैट। इतना क्लियर है? आई एम टू को सो में, शॉर्ट टू को दैट में। इसके बाद आपको फिर से एक बार प्रोनाउन लिखना है। ऑफ कोर्स प्रोनाउन, अगर आपके इस क्वेश्चन में प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पे तो आप यहीं से उठा के लिख लो, नहीं दिया हुआ है तो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई है तो आई। अब हम इस रूल का उपयोग करेंगे, ये एम वाला, आपने ऊपर रूल देखिए, इज़ एम आर है तो कैन नॉट। तो यहाँ पे एम है तो आप कैन नॉट लगाओगे, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट। और उसके बाद टू के बाद का जितना भी है टच द कबर्ड आप सब नोट कर लो। तो ये ऐसे हो गया, आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट टच द कबर्ड।
I am so short that I cannot touch the cupboard. मैं इतना छोटा हूँ कि मैं कबर्ड को टच नहीं कर सकता. ओके, क्लियर है? जो मीनिंग क्वेश्चन में थी वही मीनिंग आंसर में है. आई एम टू शॉर्ट टू टच द कबर्ड. मैं कबर्ड टच करने के लिए भी, मैं कबर्ड टच करने के लिए भी छोटा हूँ. और हिंदी उसकी मीनिंग क्या बनी, आंसर की मीनिंग क्या बनी कि आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट टच द कबर्ड. मैं इतना छोटा हूँ कि मैं कबर्ड टच नहीं कर सकता. When the meaning is same, the answer is correct. ठीक है, ये correct हो गया. Next पे आते हैं. She is too ugly to take part in modeling. She is too ugly to take part in modeling. वह modeling में हिस्सा लेने के लिए भी ugly, ugly means क्रूप है, बदसूरत है. चलिए इसको negative में change करते हैं, क्या हो जाएगा? She is too ugly को उतार दिया, too का that. उसके बाद हमें pronoun को फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो she हमने फिर से लिख दिया. She is है तो cannot. She is so ugly that she cannot take part in modeling. ठीक है, बहुत सिंपल है. वो इतनी क्रूप है कि वह मॉडलिंग में हिस्सा नहीं ले सकती है. सो द आंसर इज करेक्ट बिकॉज द मीनिंग इज सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आप समझ लीजिए आपको कहाँ दिक्कत हो रही है. शी उतारा, एच को उतारा, टू को सो में किया, अगली को लिखा, टू को दैट में किया, फिर से प्रोनाउन को लिखा हमने यहाँ पे, और इज है तो रूल्स के हिसाब से इज को कैन नॉट में, तो हमने यहाँ पे कैन नॉट लिखा, फिर टू के बगल से पूरा उतार दिया. ठीक है, नंबर थ्री. यू आर टू वीक टू वॉक एनी मोर. यू आर टू वीक टू वॉक एनी मोर. तुम और काम करने के लिए भी कमज़ोर हो. तुम और काम के लिए भी कमज़ोर हो. सो सिंपल, लेट्स मेक नेगेटिव गाइस. यू को उतार दिया, आर को उतारा, टू को सो में किया, वीक को उतारा, टू को दैट में किया, प्रोनाउन को फिर से लिखा यहाँ पे, और उसके बाद टू के बगल से, और उसके बाद अगर आर है तो कैन नॉट लगाया, कैन नॉट, फिर टू के बगल से उतार दिया. वॉक एनी मोर. यू आर टू का सो, यू आर सो वीक टू का दैट. यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक एनी मोर. तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. दोज बॉयज वे आर टू डिसऑनेस्ट टू स्टे हियर. वे लड़के यहाँ रहने के लिए भी बेईमान थे. डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान. लेट्स मेक नेगेटिव बाय यूजिंग रिमूव टू और बाय रिमूविंग टू. सो क्या हो जाएगा इसका? दोज बॉयज वेयर का वेयर, टू का सो, डिसऑनेस्ट टू का दैट. दोज बॉयज यानी कि ये है प्लूरल, तो फॉर द प्लूरल्स प्रोनाउन दे. वेयर है तो कुड नॉट. स्टे हियर को उतार दिया. सो आंसर हो गया, दोज बॉयज वे आर सो डिसऑनेस्ट दैट दे कुड नॉट स्टे हियर. वे लड़के इतने बेईमान थे कि वे यहाँ नहीं रह सकते थे. क्लियर है? पढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ. वो आपको बताते हैं यहाँ पे. आपका अगला एग्जांपल कुछ बड़ा ही यूनिक है, अलग किस्म का है, और वो ये है कि द वाटर वॉज टू डर्टी टू ड्रिंक. यस, द वाटर वॉज टू डर्टी टू ड्रिंक. पानी पीने के लिए भी गंदा था. सो सिंपल, पानी पीने के लिए भी गंदा था. तो इसको अब हम चेंज करते हैं. इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कई तरीके हैं. एक तरीका ये है कि आइए करते हैं कि द वाटर को लिखा, वॉश को लिखा, टू को सो में किया, डर्टी को लिखा और टू को दैट में किया. इतना क्लियर है?
द वाटर वॉज सो डर्टी दैट। इसके बाद में हमें कुछ इस तरह से इसको नेगेटिव में चेंज करना है कि मीनिंग चेंज ना हो। पानी पीने के लिए भी गंदा था, यानी पानी लोगों के लिए गंदा था, है ना, लोगों के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी। तो यहाँ पे हम द वाटर वॉज सो डर्टी दैट, हम एक यहाँ पे अपने मन से लिखते हैं द पीपल, द पीपल इज, द पीपल की जगह पे आप आई भी कर सकते हो, ही भी कर सकते हो, शी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। द पीपल वॉज है तो कुड नॉट ड्रिंक और वाटर के लिए इट, द वाटर वॉज सो डर्टी दैट द पीपल कुड नॉट ड्रिंक इट। पानी इतना गंदा था कि लोग इसे नहीं पी सकते थे। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि द वाटर वॉज टू डर्टी टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए भी गंदा था। आंसर है द वाटर वॉज सो डर्टी दैट द पीपल कुड नॉट ड्रिंक इट। पानी इतना गंदा था कि लोग इसे नहीं पी सकते थे। कहीं ना कहीं मीनिंग सेम है, मीनिंग इक्वल है, आंसर इज राइट। या तो आपको एक और तरीका यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आपको ये करना है कि द वाटर वॉज टू को सो में करना है, डर्टी उतारना है, टू को दैट में करना है। टू को दैट में करने के बाद आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे नो वन या नो बडी का इस्तेमाल कर सकते हो, नो वन या नो बडी। और जब आपने नो वन या नो बडी का इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद आपको नॉट यूज़ नहीं करना, ठीक है। नो वन लिखा, वॉज है तो कुड नॉट होता है रूल के हिसाब से, बट नॉट तो हमने यहीं पे लगा दिया नो, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं। दैट नो वन कुड ड्रिंक और वाटर के लिए इट, द वाटर वॉज सो डर्टी दैट नो वन कुड ड्रिंक इट। पानी इतना गंदा था कि कोई भी उसे नहीं पी सका या नहीं पी सकता था। पानी इतना गंदा था कि उसे कोई भी नहीं पी सका। तो इस तरह से हमने, इट इज़ द सेकेंड मेथड टू मेक नेगेटिव, हमने ऐसे बनाया। या एक और तरीका हमारे पास है कि अगर आप बस यहाँ पे ख्याल रखें, अगर यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे अगर न्यूट्रल जेंडर की चीज़ें हैं, इफ़ हियर इज़ न्यूट्रल जेंडर, तो आपको प्रोनाउन के रूप में इट का इस्तेमाल करना है और पैसिव वॉइस के रूप में चेंज कर देना है। जैसे कि द वाटर वॉज टू का सो डर्टी टू का दैट, ठीक है, द वाटर वॉज सो डर्टी दैट। अब वाटर के लिए इट का यूज़ किया, प्रोनाउन इट, फिर वॉज वेयर है तो कुड नॉट, यहाँ पे कुछ नई चीज़, पैसिव वॉइस का मतलब कुड नॉट बी कर देना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। द वाटर वॉज सो डर्टी दैट इट कुड नॉट बी ड्रंक, पानी इतना गंदा था कि उसे नहीं पिया जा सकता था। सो दिस इज द वे टू मेक नेगेटिव ऑफ सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन रिमूव टू, एंड वी हैव थ्री मेथड्स, एंड बाय दिस थ्री मेथड्स वी कुड ईजिली मेड द आंसर्स। ये तीन तरीके हैं, इससे हम इन्हें नेगेटिव में चेंज कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बाय, दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बाय, ये घर खरीदने के लिए भी महंगा था। अब अगर इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो अपने इस प्रीवियस तीनों मेथड्स के तरह से हम चेंज कर सकते हैं, सो सिंपल। सो द फर्स्ट मेथड इज दिस हाउस इज टू को सो में किया, कॉस्टली टू को दैट में किया, ठीक है। अब हमने द पीपल यूज़ कर दिया, आई यूज़ कर दिया, वी यूज़ कर दिया, ही यूज़ कर दिया, इज है तो कैन नॉट लगा दिया, बाय और हाउस के लिए इट। दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट द पीपल कैन नॉट बाय इट, ये घर इतना महंगा है कि लोग इसे नहीं खरीद सकते, ठीक है, ये तरीका, ठीक है। सेकंड पे आते हैं कि दिस हाउस इज टू का सो किया, कॉस्टली टू का दैट किया, अब हमने नो वन लगा दिया, नो वन या लगा दिया नोबडी, ठीक है, नोबडी या नो वन। जब नो वन लगा दिया तो इसके बाद के वर्ब में नॉट नहीं लगाना है, अब इज है तो कैन नॉट, बट नॉट हमने नो यहाँ पे लगा दिया है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, बाय और हाउस के लिए इट। दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट
नो वन कैन बाय इट, ये घर इतना महंगा है कि कोई भी इसे नहीं खरीद सकता। और द थर्ड मेथड इज़ वेरी वेरी सिंपल, पैसिव वॉस का मेथड होता है ये। दिस हाउस इज़ टू का सो, कॉस्टली का कॉस्टली, टू का दैट, हाउस के लिए इट, इज एम आर है तो कैन नॉट, पैसिव वॉस में कैन नॉट बी। थर्ड फॉर्म होती है बाय की, आप बताइए क्या होती है। यस बाय, सेकेंड फॉर्म बॉट, और थर्ड फॉर्म भी वही होती है बॉट, बाय बॉट बॉट। दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैनॉट बी बॉट, ये घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो यही तरीका है, यू हैव थ्री वेज, थ्री मेथड्स, थ्री आइडियाज, थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेज टू मेक नेगेटिव। हम आगे बढ़ते हैं। राम इज़ टू ओल्ड टू वॉक, अब इसको अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो आपको इस टू, इन दोनों टू को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करिए, राम इज़ टू का सो ओल्ड, टू का दैट। अब राम है तो राम सिंगुलर नंबर का है सब्जेक्ट, और राम मैस्कुलिन जेंडर है तो प्रोनाउन ही। इज एम आर है तो कैन नॉट वॉक। राम इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, राम इतना बूढ़ा है, इतना ओल्ड है कि वह नहीं चल सकता है। सो मीनिंग इज सेम, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सारे ही करेक्ट थे आंसर हमारे, हमारे आंसर सारे करेक्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीता वाज टू लेजी टू वर्क, सीता वाज टू का सो, लेजी को उतार दिया, टू का दैट, रूल के हिसाब से सीता है तो क्या लगाएंगे, बोलिए बोलिए। यस, सीता सिंगुलर है, फेमिनिन जेंडर की है तो शी लगाएंगे, शी। वाज वेयर है तो कुड नॉट वर्क का वर्क, सीता वाज सो लेजी दैट शी कुड नॉट वर्क, सीता इतनी आलसी थी कि वह काम नहीं कर सकती थी। तो ये था हमारा आज का क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और रिमूव टू का चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ रिमूव टू। अब आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए, जी हाँ, होमवर्क रिमूव टू, पहला सुरेश इज टू वीक टू रन, सुरेश दौड़ने के लिए भी कमज़ोर है। महेश वाज टू पुअर टू बाय साइकिल, महेश साइकिल खरीदने के लिए भी गरीब था। राधा इज़ टू बैड टू सिंग, राधा गाने के लिए भी बुरी है। द हाउस वाज टू स्मॉल टू लिव इन, घर रहने के लिए भी छोटा है, छोटा था। द क्राउड इज टू स्ट्रॉन्ग टू डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, भीड़ बिखेरने के लिए भी मजबूत है। द टी इज टू कोल्ड टू टेक, चाय लेने यानी चाय पीने के लिए भी ठंडी है। द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट, डिब्बा बॉक्स उठाने के लिए भी भारी था। द डॉग इज टू क्यूट टू हेट, कुत्ता नफ़रत करने के लिए भी क्यूट है, यानी इतना क्यूट है कि नफ़रत नहीं कर सकते। द वेदर वाज टू हॉट टू गो आउटसाइड, मौसम बाहर जाने के लिए भी गर्म है, यानी इतना गर्म है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। द लास्ट आई वाज टू अनहैप्पी टू लाफ, मैं हंसने के लिए भी नाखुश हूँ, अप्रसन्न था। सो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई, आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल मनीष सिंह राजपूत को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके उतना आप अपने फ्रेंड्स को बोल के मनीष सिंह राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, 6394895215। जी हाँ, प्लीज़ गाइस जस्ट शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन टू योर फ्रेंड्स, टू योर क्लासमेट्स, टू योर क्लास फेलोज, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो किसी को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत ना आए, इसलिए इस तरह के वीडियोस बड़े हेल्पफुल होंगे। तो आप बस मनीष सिंह राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको मैं डेली इंग्लिश ग्रामर, सीबीएसई बोर्ड,
यूपी बोर्ड के वीडियोस भी मैं डालूँगा, सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई और ग्रामर से जितनी भी चीज़ें हैं। ग्रामर तो हर क्लास में ही होता है, ग्रामर आप जितना सीख लो उतना कम है। तो इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मनीष सिंह राजपूत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर करते जाइए। और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें।